पहले उन लोगों को बोल रहे हैं कि पावती बना रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे जाके जमा करने बोल रहे हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे कैश जमा करके वहाँ से पावती लेके फिर यहाँ पे आके दिखा रहे हैं, उसके बाद पेट्रोल दे रहे हैं। मतलब तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो अभी बज रहा है सुबह का 6:15 शायद से हो रहा है। सुबह सहरी कर लिया और उसके बाद नमाज भी पढ़ लिया फजर की। तो उसके बाद मैं सोचा क्यों ना आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह ही सुबह, क्योंकि मैं सो के उठता हूँ काफ़ी देर में, दोपहर में। आप सब मतलब रिलेट कर सकते हैं इससे। एक बात और, बाल को इग्नोर करो क्योंकि मेरा बाल काफ़ी बड़ा हो गया, उसे सही करना पड़ेगा। समझ सकते हो मतलब लॉकडाउन है, कहाँ पे सही करूँ, खुद से तो काट नहीं सकता, तो इग्नोर करो उसको। तो जो लास्ट वाला वीडियो मैं अपलोड किया था उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि भिवंडी में क्रिएटर्स हैं जो कर सकते हैं लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें करना है और उन्हें कुछ समझता नहीं है। तो आपका भाई आ गया मार्केट में आपको बताने के लिए, तो टेंशन नॉट। कैसा होता है, हम कुछ न्यू चीज़ स्टार्ट करते हैं, हमें कुछ करना रहता है जो हमें पसंद है लेकिन लोगों को नहीं मालूम है उस बारे में। वो कुछ न्यू चीज़ है और हमें वो करना है और हमें पसंद है, तो हम इसे कुछ करने जाते हैं तो मतलब लोग को समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो। तो अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच लगा के बोलते हैं ये गलत है, ये सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा फालतू काम है, ऐसा वैसा। तो अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, अगर आपको कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले तो आपको लोगों का सोचना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मतलब स्टार्ट करना है यूट्यूब या ब्लॉगिंग या कुछ और चीज़, और वो मतलब पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं बनाया तो अच्छा नहीं बनेगा। तो लेकिन एक बात होती है कि अगर हम कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं तो पहली बार परफेक्ट नहीं होता है वो, और कोई भी इंसान परफेक्ट होता ही नहीं, चाहे कोई भी हो। अगर आप करना चाहते हो ब्लॉगिंग और यूट्यूब चैनल स्टार्ट, तो कर दो, सोचो मत, यही सबसे अच्छा मौका है, यही टाइम है स्टार्ट करने का। अगर आप अभी नहीं करें तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। आप अपनी सोच को बदलेंगे तो लोग की सोच भी बदलेगी। एक बात याद रखना कि अगर आपके हेटर्स नहीं रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप कुछ होते हो ना तो आपके हेटर्स रहते हैं। तो आप अगर कुछ भी बना रहे हो ना तो बनाते रहो। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट कर दो आज और अभी से उसके लिए स्टार्ट कर दो। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए, यूट्यूब चैनल से रिलेटेड या ब्लॉगिंग से रिलेटेड, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर देना यार, अपना भाई समझ के मैसेज करना, बिंदास पूछना, मैं आप सबको आंसर दूंगा। तो स्टार्ट कर दो जो करना है अभी। अभी तो मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि 7 बज गया सुबह का और मैं अभी तक सोया नहीं, पूरी रात नहीं सोया हूँ, आप मेरी आँख देख के समझ रहा होगा। तो जब मैं उठूँगा तो मिलते हैं। आप स्टार्ट कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, फॉलो कर दो, और सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल को तो मेरे सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक कर दो, वीडियो पसंद भी आ जाती तो शेयर कर दो, पब्लिक को फैला डालो। मिलता हूँ बाद। तो ये मेरा ट्राइपॉड है और ये मेरा कॉलर माइक है। पहले कैसा था कि इसके ऊपर एक रबर का निकला हुआ था थोड़ा सी इसके ऊपर, तो मैं इसको फिक्स कर देता था ऐसे, तो ऐसे सेटअप बन जाता था सामने की तरफ माइक और आवाज़ प्रॉपर जाती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, इसका यहाँ निकल गया, वैसे तो ये पूरा ख़राब हो गया इसका ट्राइपॉड का अडैप्टर, इसको टेप से चिपका दिया हूँ मैं, मतलब ऐसे ही थोड़ा यूज़ करने के लिए, क्योंकि अभी अमेज़ॉन वाला डिलीवरी नहीं दे रहा है। मैं कल रात में ही चेक किया, 2 से 3 बार चेक किया, लेकिन ये मतलब ये पिन कोड पे डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। तो जब तक अभी अमेज़ॉन चालू नहीं होता या अडेप्टर दूसरा नहीं मिलता, तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर ऐसा फिक्स नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसा कुछ सोचा हूँ कि ये जो स्क्रू है ब्लैक कलर का जो मिल गया, वो इसके ऊपर ऐसे अटैच करूँगा थोड़ा, इसको अंदर तक डाल के फिर माइक उसके ऊपर अटैच कर दूंगा। तो भैया हमारा सुंदर, सस्ता और टिकाऊ ब्लॉगिंग सेटअप तैयार।
वाला जो रैंडम ग्लोब है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि जकी भाई आप तो बता दिए मतलब ब्लॉग करना है, और मुझे करना है ब्लॉग। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्हें ब्लॉग करना है और वो मतलब ये सोच रहे कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ऐसे बाहर नहीं जा सकते तो ब्लॉग नहीं कर सकते, तो इसका मुझसे दूसरा ऑप्शन पूछे कि अगर बाहर नहीं जा सकते तो कैसे ब्लॉग करें। तो मैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे तो आंसर नहीं दे सकता हूँ, बट आई विल मेक श्योर टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। इंग्लिश आ रही है भाई की, तो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होने वाली है। तो मेरे वीडियो पे हर एक मतलब कमेंट आती है, एक मोमिन फराज आई डोंट नो कौन है, लेकिन एक कमेंट आई थी कि भाई अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दो, मतलब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, मैं पहले जिम जाता था, अच्छी खासी बॉडी बन रही थी, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, बट किंतु परंतु दंतु वो माथेरान ट्रिप गया था 2-3 दिन के लिए, तो जब गैप हो गया था उसके बाद से जिम छूट गई। फिर उसके बाद मैं चालू किया था फिर से, लेकिन लॉकडाउन, तो भाई क्या करे, लॉकडाउन चालू हुआ तो जिम जाएंगे, मस्त बॉडी बनाएंगे। तो अभी सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं बाईपास, भिवंडी बाईपास, और वहाँ से थोड़ा घूम के भी आएंगे, क्योंकि जो आपको पता ही होगा कि मजदूर लोग मतलब जा रहे हैं अपने गांव ट्रक में बैठ के या टेम्पो में बैठ के, बड़ी तकलीफ़ में बैठ के, तो वही थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे खाना और देख के आएंगे सब वहाँ पे कैसा चल रहा है कैसा। जैसा कि मैं बताया था कि मैं हम जा रहे हाईवे पे, मैं हूँ आसिफ है साथ में, तो अभी हमारी कार में जो डीज़ल था वो कम हो गया था, तो इसलिए पेट्रोल पंप पर जैसे देख सकते हो इतनी बहुत ज़्यादा लाइन है, और हाईवे पे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रक जा रही जिसमें भर भर के सब जा रहे हैं गाँव। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो जाके फॉलो करो @MominZaki27, और भिवंडी सिटी जो पेज है इंस्टाग्राम पे भिवंडी का उसे भी जाके फॉलो करो, काफ़ी अच्छा पेज है वो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के